झारखंड विधानसभा चुनाव प्रक्रिया का आज अंतिम चरण है और वो भी आज राज्य में गिनती, मतगणना की गिनती हो रही है और मतों की गणना के बाद जो राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है उस जनादेश का हम राज्य के मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं। आज यहाँ उपस्थित हमारे साथ आपके इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ के प्रभारी आरपीएन सिंह साहब, मंत्री उमंग सिंघार जी, अजय शर्मा जी, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक सर्वजीत पासवान जी, के तरफ से आज के इस जनादेश को प्राप्त करने के लिए महागठबंधन के सभी वरिष्ठतम नेता आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, जिन लोगों ने हम पर विश्वास जताया है उनको भी हम अपनी ओर से बहुत आभार प्रकट करेंगे और धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आज चूंकि मतगणना में थोड़ी सी अभी कुछ विलंब है, कुछ एक सीटें अभी भी वहाँ पर गिनती जारी है और जैसे अभी तुरंत हमें पता चला है कि महागठबंधन को 47 सीटें मिली है 81 सीटों में से, और जिस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ हम लोगों ने महागठबंधन बनाया था और जिस तरीके से हम लोगों ने चारों खाने बुलेट प्रूफ रणनीति बनाई थी उसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में करारी हार देख तो को भी कवरेज देने का काम किया, जबकि आप पर बहुत दबाव था, तो हृदय से आप सबको भी मैं हम सबकी ओर से बधाई देता हूं। हेमंत जी को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने गठबंधन की जिस नेतृत्व से इस गठबंधन को जीत दिलाई है, मैं उनके पार्टी को और इस मौके पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, आरजेडी के हमारे वरिष्ठ नेतागण को भी बधाई देता हूं। साफ तौर पे मैंने कहा था जब इलेक्शन शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 65 पार करें, उसी समय क्योंकि पूरे झारखंड में दौरा करने के बाद ये साफ तौर पे मैंने कहा था कि बीजेपी 25 भी पार नहीं की। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो आवाज़ झारखंड की जनता की तरफ से आ रही थी तो हमें ये रिजल्ट एक महीना पहले ही मालूम, पर आपको हमेशा ये सवाल हमसे पूछते रहे कि क्या आपका गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा। 8 नवंबर को साफ तौर से आपको हमने ये घोषणा मिलके की थी और वो गठबंधन एक ऐसा मजबूत गठबंधन है और मैं इस मौके पे वो जेएमएम के कार्यकर्ता हों, वो आरजेडी के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, उन्होंने जिस लगन और मेहनत से और भाईचारा से ये चुनाव लड़ा है मैं उनको सलाम करता हूँ और उन लोगों ने जो मेहनत इस गठबंधन को जिलाने के लिए की है मैं उन सारे वर्करों को, और भले गठबंधनों में बात करते हैं नेता नाराज हो सकते हैं पर तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस लगन और मेहनत से गठबंधन के विधायकों को जिताया है उनको भी मैं बहुत बधाई।